मिली जमानत तो गदगद केजरीवाल परिवार संग पहुंचे बजरंग बली के द्वार। कार्यकर्ताओं में जोश उत्साह का माहौल, अब चुनाव में सुनाई देंगे केजरीवाल के बोल। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की और हनुमान जी के आगे माथा टेकते हुए नजर आए। बता दें कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट के मुताबिक चुनाव कोई फसल नहीं है जो 6 महीने में तैयार हो जाती है। चुनाव को जरूरी समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल बीते करीब 50 दिनों से दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे। केजरीवाल का बाहर आने से आम आदमी पार्टी के समर्थकों में नई जान पड़ चुकी है। बीते रोज उनके स्वागत में जमकर आतिशबाजी भी हुई थी। अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से अपने घर पहुंचे तो उनके माता पिता ने उनका शानदार स्वागत भी किया। घर पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल ने अपने माता पिता के पैर छुए। इसके बाद उनकी मां ने आरती उतारकर और तिलक लगाया और माला भी पहनाई। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया और उन्हें गोद में उठा लिया। इस बीच अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद का उनका एक बयान भी सामने आया है। इस बयान में उन्होंने कहा, जनता जवाब देगी, तानाशाही का अंत करेगी। सुनिए। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। कल सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे करेंगे सर कैंपेन, और 1 बजे पार्टी ऑफिस जाएंगे। पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल शायद साउथ दिल्ली में रोड शो है, उस रोड शो में पार्टिसिपेट करूंगा भगवंत मान साहब के साथ।